people may not be knowing that filmmaking is nothing but human psychology, philosophy, thinking, and somewhere it's spirituality. Probably we are the only film school in the world where we have inducted spirituality as a part of the course, right from acting to direction. We're running 55 different courses in 10 different colleges, but then every school and every child, it goes through a small chapter of spirituality because we want them to be good human beings. That's my policy, that's my way of dealing things. What I'm trying to tell you in these four lines this morning, if time has come when you have to now leave all your lethargic attitude, the laziness. स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। मेरा ये मानना है कि परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को वो सभी तमाम शक्तियाँ दी हैं जो उसके पास खुद मौजूद हैं। हम गॉड बोलते हैं, जी ओ डी का मतलब है कि एक ऐसी शक्ति जो जनरेट कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है। परमपिता परमेश्वर ने ये तीनों शक्तियाँ इंसान में डाली हैं। हमारे अंदर भी वो ताकत है। इंसान बच्चा पैदा कर देता है, वो पूरे दिन का क्रियाक्रम जो है रोज़मर्रा का काम करता है, और उसमें भी वो शक्ति है कि वो नष्ट कर सकता है। तो मेरा ये निवेदन है सभी, कम से कम आज के सभी यूथ से, आज के सभी नौजवानों से, कि अपनी पहली दो शक्तियों का पूरा पूरा इस्तेमाल करिए, जान लड़ा दीजिए, देश के लिए काम करिए। सबसे पहली बात कि कोई ऐसी नई चीज़ पैदा करिए जिससे कि हमारे देश उज्जवल हो सके, उभर के ऊपर आ सके। दूसरी बात ये कि अपने रोज़मर्रा के काम को इतना खूबसूरत बना दीजिए जिसके अंदर अच्छी भावनाएँ हों, अच्छी सोच हो, वो कर्म अपने आप ही अच्छे होंगे, और उससे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा, इंसानियत आगे बढ़ेगी, और जो लोग आत्मविभोर होंगे, देश में एक शांति का माहौल पैदा होगा। यही हम सब चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम से। जो बड़ी खुशी है, आप ही लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे 5-6 बड़े चैनल चल रहे हैं जो 24 घंटे के लिए ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अच्छी विचारधारा बांट रहे हैं। जहाँ एक तरफ कुछ वेस्टर्न चैनल हमारी सभ्यता पर दाग लगा रहे हैं, तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो हमारी सभ्यता को संभाल रहे हैं। उनके विचारों को अगर आप सुनिए, बड़े बड़े योगी, मुनि, संत, पीर, महात्मा जो सुबह से लेकर शाम तक टेलीविज़न के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर आप 10-15 मिनट का भी पाठ सुन लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो विचारधारा है वो बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो ज़रूरी है कि ये ऐसे एक टेलीविज़न प्रोग्राम वो देखें। अगर टेलीविज़न पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, तो ऐसे प्रोग्राम अटेंड करें जैसा प्रोग्राम आज हमारे यहाँ पर हो रहा है।